नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिब। यूट्यूब चैनल टेकी ट्विक से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से है हमारे पास रेडमी का नोट 5 प्रो। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस डिवाइस का चार्जिंग स्पीड टाइम टेस्ट किया था एक फास्ट चार्जर के साथ। पर आप लोग देखना चाहते थे कि जो चार्जर इसके बॉक्स में आता है वो कितना डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आपको इसकी मैं रेटिंग दिखाऊँ, ये चार्जर बॉक्स में आता है तो ये एक 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे प्लग करता हूँ। दोस्तों, इसे मैं प्लग करने से पहले आपको यहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर भी दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके कि ये चार्जर या फिर ये स्मार्टफोन हीट होता है या नहीं। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर अगर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे डेस्क पे अराउंड 26-25 के अराउंड टेम्परेचर है, और जो स्मार्टफोन का टेम्परेचर है वो अभी के लिए 29 डिग्री सेल्सियस आप ले सकते हैं। तो अबाउट 38 तक ये टेम्परेचर ठीक रहेगा मेरे ओपिनियन से। अभी के लिए आप रफली 30 डिग्री सेल्सियस इस डिवाइस का टेम्परेचर ले सकते हैं, और 1% अभी के लिए इसकी बैटरी है। अभी मैं इसमें ये चार्जिंग ब्रिक जो है प्लग करने जा रहा हूँ, और साथ ही मैं टाइमर स्टार्ट कर दूँगा। अभी मैंने चार्जर को प्लग कर दिया है, और जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि 0% बैटरी हो गई थी इसकी। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसे चार्ज लगा दिया है। तो अभी हम इसे देंगे 5 मिनट और चेक करेंगे कि 5 मिनट के बाद ये कितना चार्ज हो जाता है। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे टेस्ट करने के लिए काफ़ी एफर्ट लगता है। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो इस वीडियो पर 250 लाइक्स का मेरा टारगेट है, आप प्लीज़ कर देना। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि 5 मिनट हो गए हैं जब से ये डिवाइस चार्ज हो रहा है। और अगर आपको मैं बैटरी परसेंटेज दिखाऊं इस डिवाइस की टेम्परेचर चेक करने से पहले, तो 5 मिनट में ये 5% तक चार्ज हो चुका, जो कि ठीक है। और इसकी बैक पर जो है टेम्परेचर है अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस, और फ्रंट पर भी 32 डिग्री सेल्सियस ही है। तो अभी के लिए इसकी स्पीड जो है ठीक ठाक सी है, क्योंकि फास्ट चार्जर के साथ ये 5 मिनट में 7% चार्ज हो गया था। अभी हम क्या करेंगे, 10 मिनट ऐड करेंगे और मिलेंगे 15 मिनट के बाद। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी 15 मिनट से ये Redmi Note 5 Pro चार्ज हो रहा है। और अगर आपको दिखाऊं तो ऊपर की साइड एक नोटिफिकेशन LED लाइट है। तो 15 मिनट में ये 15% चार्ज हो चुका है, और मुझे इसकी बैक बिल्कुल भी वार्म नहीं लग रही। हालाँकि अगर मैं आपको टेम्परेचर दिखाऊँ, फिर से वही है 32 डिग्री के आसपास। ऑन स्क्रीन भी जो टेम्परेचर है वो भी 32 डिग्री के आसपास ही है। फास्ट चार्जर के साथ ये 15 मिनट में 18% जो है चार्ज हो गया था। अभी हम क्या करेंगे, 15 मिनट और ऐड करेंगे और मिलेंगे पूरे 30 मिनट के बाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि अभी 30 मिनट से ये डिवाइस चार्ज हो रहा है। और अगर आपको मैं 30 मिनट के बाद बैटरी परसेंटेज बताऊँ तो 30 मिनट में ये 29% चार्ज हो गया। और जहाँ तक मुझे याद है, फास्ट चार्जर के साथ ये 30 मिनट में 35% चार्ज हो गया था। टेम्परेचर की बात करूँ तो फिर से वही टेम्परेचर है अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। आप सारी बैक को भी स्कैन कर लेंगे तो आपको अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आधा घंटा और ऐड करेंगे और मिलेंगे पूरे 1 घंटे के बाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि ये डिवाइस अभी 1 घंटे से चार्ज हो रहा है। और अगर आपको मैं इसका बैटरी परसेंटेज दिखाऊं तो 1 घंटे में ये 58% चार्ज हो चुका है, और फास्ट चार्जर के साथ ये चार्ज हुआ था 65%। अगर मैं दोस्तों आपको इसके टेम्परेचर की बात करूं तो फिर से ये अभी बिल्कुल नॉर्मल से टेम्परेचर पर है, 30-31 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे कि इसे हम आधा घंटा और चार्ज करेंगे और देखेंगे कि क्या ये 90% क्रॉस कर पाता है 90 मिनट में या फिर नहीं। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं कि 1 घंटा 30 मिनट से ये डिवाइस चार्ज हो रहा है। और अगर हम बैटरी परसेंटेज की बात करें 1.5 घंटे के बाद, तो वो है 82%। तो यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि डेफिनेटली क्विक चार्ज 2.0 हेल्प करता है। अभी के लिए टेम्परेचर 33 हो गया, जो कि फिर से बहुत नॉर्मल है, थोड़ा सा ही वार्म है। यहाँ पर बैक पर अब मैक्सिमम था 34। तो दोस्तों, अभी के लिए 1.5 घंटे में ये 84% तक तो पहुंच चुका है, 82% तक एक्चुअली पहुंच चुका है, हीटिंग भी नहीं हुई है। तो अभी हम तब वापस आएंगे जब ये डिवाइस पूरा 100% चार्ज हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि पूरे 2.5 घंटे हो चुके हैं जब से ये Redmi Note 5 Pro चार्ज हो रहा है, और पूरे 2.5 घंटे में ये 100% चार्ज हुआ है। तो यहाँ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम वो चार्जर यूज़ करें जो कि इसके बॉक्स में आता है, वो 2.5 घंटे लेता है,
इस डिवाइस को पूरा चार्ज करने में। तो मेरे आपसे सजेशन यही है कि अगर आपको फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे ये चार्जिंग थोड़ी और बढ़िया कर देंगे, तो आप एक फास्ट चार्जर ले सकते हैं। पर अगर आप नॉर्मल सा आपका यूजेज है, आपको फास्ट चार्जर नहीं चाहिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम फास्ट चार्जिंग करते हैं तो नॉर्मली थोड़ी सी ज़्यादा हीटिंग होती है, अभी के लिए तो बिल्कुल भी ज़्यादा हीटिंग नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है, तो यार एक लाइक दबा देना और एक शेयर भी कर देना। अगर आपको कोई कमेंट है, क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ भी है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। इस वीडियो में केवल इतनी, तक देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।